भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महाठग बंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं, लोग इनकी नीतियों को जानते हैं कि ना इनके पास कोई नीतियां हैं, ना नेतृत्व है, ना ही साफ नीयत है। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महाठग बंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं, लोग इनकी नीतियों को जानते हैं कि ना इनके पास कोई नीतियां हैं, ना नेतृत्व है, ना ही साफ नीयत है। और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। और 2014 में 2019 में बहुत प्रयास इन्होंने किए, यही ठगबंधन बना था। 2017 में 2022 में उत्तर प्रदेश में भी महाठगबंधन बना था, नहीं हो पाया कुछ। कारण जनता जानती है कि ये जो विपक्षी दल हैं इनका कारनामे है, इन्होंने जो वायदे किए थे उससे मुकर गए और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दूसरी ओर तुलना किससे है, मुकाबला किससे, नरेंद्र मोदी जी से। और नरेंद्र मोदी जी की 22 साल की राजनीति सीएम से पीएम तक की ईमानदार रही, पाक साफ रही, बगैर किसी छुट्टी के देश के लिए समर्पित रहे। अपनी माता के निधन के बाद भी केवल 2 घंटों के अंदर दाह संस्कार के देश के लिए अपना काम करना शुरू कर दिया। यही नहीं, ईमानदारी के साथ पिछले साल 9 साल सरकार चलाई, आज देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाई। हम स्टील में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं, दूध उत्पादन में नंबर 1 है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पर है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।